चर्बी की दुकान से कहो कि टाइम पास ना करे, जिम जाए, जिम के अंदर भी जाए, सिर्फ जिम के बाहर खड़े होकर हाँ मीडिया के सामने है आदिल, मिस आदिल, क्या है ये नौटंकी, नॉनसेंस। अरे जिम के अंदर घुसो, जाओ वेट लिफ्टिंग करो, डोले शोले बनाओ, बॉडी बनाओ, लेकिन नहीं, मेहनत नहीं करनी है मैडम को, बस 24 घंटे मीडिया पापराजी, मीडिया पापराजी, नौटंकी, चर्बी की दुकान। और क्या बोल रही थी वो, शर्लिन चोपड़ा को फोड़ दूंगी, उसको लटका दूंगी, अबे ए चर्बी की दुकान चल मेरे सामने, बस खड़ा होकर दिखा, इतना कर, आजा मेरे सामने, बस एक बार खड़ी होकर दिखा, फिर देखते हैं, ये सब बातें बहुत दूर की बात है, लटका दूंगी फोड़ दूंगी, ये कोमल नाजुक हाथ 2.5 किलो से ज्यादा भारी है, बड़ी आई नॉनसेंस, मोटर माउथ कहीं की, सड़ियल, खुद थोप थोप के मेकअप लगाती है। अरे साजिद खान कोई छोटा मोटा नाम है क्या, फराह खान का भाई है, और फराह खान कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या, सलमान खान और शाहरुख खान की चहेती हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं, तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई। अच्छा आज हिम्मत पैदा हो गई, ये हिम्मत कहाँ से आई, मी टू मूवमेंट के चलते ये हिम्मत पैदा हुई, 2018 में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था ना भारत देश में। अरे बाबा, उन सभी दिमाग से पैदल लोगों से कहो कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था एमजे अकबर वर्सेस प्रिया रमनी के केस में, ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक पीड़ित महिला कई दशक बाद भी अपने यौन शोषण के अनुभव के बारे में बता सकती है, अपने इस अनुभव को साझा कर सकती है वारदात के कई दशक बाद भी। इसका मतलब ये नहीं कि अरे बहुत टाइम हो गया ना तो रहने दो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है आप लोगों से बात करने के लिए, आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है पुलिस चौकी जाकर मी टू आरोपी साजिद खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए। तो आप कह रहे हैं अरे पहले आप कोमा में थे क्या, बेहोश थे क्या, नहीं पहले डरे हुए थे, अब जाकर हिम्मत पैदा हुई। अरे साजिद खान कोई छोटा मोटा नाम है क्या, फराह खान का भाई है, और फराह खान कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या, सलमान खान और शाहरुख खान की चहेती हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं, तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई। अच्छा आज हिम्मत पैदा हो गई, ये हिम्मत कहाँ से आई, मी टू मूवमेंट के चलते ये हिम्मत पैदा हुई, 2018 में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था ना भारत देश में, अनेक महिलाएं आगे आकर अपना अनुभव साझा करने लगी, बताने लगी कि देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और हम भी शिकार बने थे, हम फलाना के पास गए और फलाना ने हमारे साथ गलत किया, ज्यादती की, ज़बरदस्ती की, तब जाकर हमें एहसास हुआ कि कसूरवार हम नहीं हैं, तब जाकर पता चला कि अरे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कई पीड़ित महिलाएं हैं, तब जाकर हिम्मत पैदा हुई। अरे उस चर्बी की दुकान को बोलो कि सलमान खान सिर्फ उसके भाईजान नहीं हैं, हम सभी महिलाओं के भाईजान हैं, हम भी उनको भाईजान मानते हैं, बताओ जाकर उस मनहूस बहन को, सड़ियल बहन को, कि बंद करे ये नौटंकी। अरे एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती, वो कह सकती है हाँ शर्लिन चोपड़ा मैं आपके साथ खड़ी हूँ, अगर मेरा भाई गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हाँ आप जांच पड़ताल की मांग कर रहे हो ना, यस जाओ मांग करो, जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो कह रही अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो पुलिस चौकी कैसे चली गई, हिम्मत पैदा हुई मेरी बहन, मेरी सड़ियल बहन, हिम्मत पैदा हुई, एंड थैंक गॉड कि हिम्मत पैदा हुई। देखिए 29 अक्टूबर की रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास एक महिला पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया और मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। मैं
और तमाम पीड़ित महिलाएं हम सब सीएम सर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर निवेदन करेंगे एकनाथ शिंदे सर से कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। अब और किसके पास जाएं हम, मुझे नहीं पता। आई थिंक सीएम साहब के पास जाना ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्य वही हैं। वो क्या बोल रही थी? वायर लगाओ, वायर लगाओ। आपने कभी देखे ऐसे डोले शोले? हाँ देखे ऐसे? हाँ जरा ऐप्स दिखाइए। क्या बात है, उस चर्बी की दुकान से कहो कि टाइम पास ना करे, जिम जाए, जिम के अंदर भी जाए, सिर्फ जिम के बाहर खड़े होकर हाँ मीडिया के सामने है आदिल, मिस आदिल। क्या है ये नौटंकी, नॉनसेंस। अरे जिम के अंदर घुसो, जाओ वेट लिफ्टिंग करो, डोले शोले बनाओ, बॉडी बनाओ, लेकिन नहीं, मेहनत नहीं करनी है मैडम को, बस 24 घंटे मीडिया पापराजी, मीडिया पापराजी, नौटंकी, चर्बी की दुकान। और क्या बोल रही थी वो, शर्लिन चोपड़ा को फोड़ दूंगी, उसको लटका दूंगी। अबे ए चर्बी की दुकान, चल मेरे सामने, बस खड़ा होकर दिखा, इतना कर, आजा मेरे सामने, बस एक बार खड़ी होकर दिखा, फिर देखते हैं। ये सब बातें बहुत दूर की बात है, लटका दूंगी, हाँ फोड़ दूंगी, ये कोमल नाजुक हाथ 2.5 किलो से ज्यादा भारी है, बड़ी आई, नॉनसेंस, मोटर माउथ कहीं की, सड़ियल, खुद थोप थोप के मेकअप लगाती है। अरे क्या है ये नॉनसेंस, अरे वो मेकअप लगा कर क्यों गई पुलिस चौकी? संविधान में लिखा है क्या कि अगर पीड़ित महिला को अपनी शिकायत दर्ज करनी हो तो वो मेकअप का इस्तेमाल ना करे, ऐसा कोई रूल है, नियम है? मुद्दे की बात करो ना, दम है तो बोलो, हाँ कानूनी कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, बेवकूफ मनहूस, धब्बा है धब्बा औरत जात पर। मैं जाकर पूछो उससे, हाँ पूछता हूँ, हर 3-4 महीने बॉयफ्रेंड चेंज, हर 6 महीने हस्बैंड चेंज। आदिल आपको पता है, आदिल से पहले मेरे जितने सारे बॉयफ्रेंड्स थे, हस्बैंड्स थे, वो सब ना टाइम पास थे। बट आदिल नो, आदिल तो यहाँ रहता है, यहाँ रहता है मेरा आदिल। इसको बोलते क्या, चू चा को बड़ी ऊ की मात्रा, त को छोटी की मात्रा, य को आ की मात्रा, प प को आ की मात्रा, इसको वो बोलते। बंद कर सड़ियल बहन, बहन बोलना भी नहीं चाहिए उसको।